गौरत्यागी। और इस बीच खरगोन से आ रही एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर बस स्टैंड पर पुलिस की मॉक ड्रिल देखने को मिली और यहां पर बस स्टैंड पर बम मिलने की सूचना दी गई। ये मॉक ड्रिल थी, यानी कि एक प्रैक्टिस, लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ऐसी मॉक ड्रिल्स वक्त वक्त पर की जाती है। यहां पर लावारिस बैग में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने बस स्टैंड को इसके बाद खाली कराया और मॉक ड्रिल के तहत ये कार्रवाई की गई। त्योहारों को देखते हुए दरअसल पुलिस ने ये मॉक ड्रिल की कि अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि इस तरह की जो सार्वजनिक स्थानों पर मॉक ड्रिल होती है, आम लोगों को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। आम लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल हकीकत जो हो रहा है वैसी कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये पुलिस की मॉक ड्रिल थी। आने वाला जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ये मॉक ड्रिल अंजाम दी गई।